वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग सोच रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ चढ़ के गाड़ी साफ कर रहा है। गाड़ी साफ करने के अलावा कोई काम नहीं है। और अभी कहीं जा रहे हैं, एक मेरी जो न्यू फ्रेंड है उनका ही बर्थडे है आज, सो वहाँ जा रहे हैं। सो मैं भी अपना फुल आउटफिट आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने अभी मेकअप भी नहीं किया। आप लोग सोचोगे ऐसे कैसे जा रहे हैं। वजीराबाद जाऊंगी क्योंकि आईब्रो बनवानी है ना, सो पहले आईब्रो बनवा के वहीं मेकअप करूंगी। कशिश को भी रेडी करना है। सो कैसी लगी मेरी न्यू ड्रेस, अभी तो आपने पूरी देखी नहीं है, ब्लॉग के एंड में दिखेगी जब बताना। और मैंने आज अपनी न्यू रिंग ओपन करी है, न्यू रिंग पहनी है और न्यू मंगलसूत्र पहना है। चांदी का है ये मंगलसूत्र, प्योर पूरी चांदी है इसमें, सारा ये चांदी है। ये बैक वाले जो मोती है ये नहीं, जो बीच में छोटे छोटे मोती हैं वो चांदी है, ये भी चांदी है और ये रिंग भी पूरी चांदी की है। सो चलो चलते हैं, आईब्रो बनाएंगे, सॉरी मेकअप करेंगे। और अभी दी के लिए गिफ्ट भी नहीं लिया। मैं बता देती हूँ, जो शौकीन मेकओवर्स के यहाँ लास्ट हम शूट पर गए थे ना, उनका बर्थडे, तो वहाँ जा रहे हैं। सो चल रेडी शेडी होकर मिलते हैं। एकदम घर आई और मैंने ना आईब्रो बनवानी थी, तो मैं आईब्रो बनवाई पहले गली के बाहर पार्लर से। अरे भैया कट भी मेरे जैसा। और पता है क्या, मैं अंदर कमरे में घुसी इस बार ना, ना इसने अपनी ड्रेस बताई थी ना मैंने बताई थी। सुन रुक तो जा, तो ना गाइस मैंने इसे अपनी ड्रेस बताई थी मैंने क्या पहना हुआ, और आपसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। एकदम अचानक ये पहना आया हुआ था इंस्टाग्राम से ही, मैंने आके देखा ये सेम मेरे जैसे पहन के खड़ी है। मतलब 19-20 फर्क है, और ये देखो मतलब हमारी चॉइस इतनी सेम है। और ये पता है कह रही कल फोन पे, मैं कहा बहन कल क्या पहनेंगी, कह रही बहुत अच्छा कॉट सेट है ब्लैक कलर का। मैंने कहा मेरा भी बहुत अच्छा कॉट सेट है ब्लैक कलर का। ये नहीं मानता कि दोनों का सेम निकल जाएगा, थोड़ा ऐसे खड़ी हो ऐसे सेम, थोड़ा बहुत अलग। बट वाला रेडी हो गए हैं हम और निकल गए हैं बाई चांस से गलती से सेम ड्रेस पहन के वहां से। नहीं आ रहा मम्मी, एक बार आप बोल दो पुनीत को, कहते चल ले मैं अकेला हो जाऊंगा। बोल दिया मैंने। सो रुको गाइस अभी निकल के मिलते हैं आपसे। आ गए हैं अब दीदी के लिए गिफ्ट लेने के लिए, और मैंने ना भैया से पूछ लिया था पहले दीदी को क्या पसंद है, तो इसलिए हम बैग्स ले रहे हैं। लेट हो रहा है तू, ब्लॉग बाद में देखो पहले बैग देख। ये जो तेरे हाथ में अच्छा लग रहा है ब्लैक, हाँ तो एक ये ले ले, मैं दूसरा देखती हूँ। अरे बड्डे तो आपका रहा, इतना फ्लैश मार के मेरे आ रहा है, नहीं अच्छा आ रहा है। तालियां तो बजाओ। देखो ये गली में ही खड़ी हुई है मटको। बंद रहो। हाँ पापा बुला रहे हैं आपको, आजो छोड़े ये इसको पापा के पास जाना है अपने पापा के चमचे। किसने जी? अरे चॉकलेट देख ली मैं। गाइस मैं ना दीदी के केक में से, मैंने कहा दीदी ये सारी चॉकलेट मुझे देना, तो दीदी ने मुझे ही दे दी ये। ओ नोना वाओ, किसी करो जल्दी, किसी किसी करो, ये इसके लिए थी, किसी करो नोना, ये वाओ है नोना, बोलना बेटा मैं नोना। ओए कौन लाया पापा? गाइज ये घर में कोई भी चीज आती है तो बताइए कि मैं पापा लाए, मैं पापा लाए, मतलब घर में सारी चीज इसके पापा ही लाते हैं। बंदर हो गए। और देखो बीना आंटी और मम्मी, चुगलियां चुगलियां चुगलियां। अंशु का बर्थडे आ रहा है गाइस, कह रहा मैं स्टोरी क्यों नहीं लगाते। हम लोग आ गए थे घर, घर आके मैंने अभी सबसे पहले किया है चेंज, और किचन की बैंड बजी हुई है, और वशु का हाथ भी कट गया बेचारी का। हमारा नाइफ ना बहुत ज़्यादा फाइन है, और उसने इतनी रात को पास्ता बनाया था, एंड सीरियसली मैंने एक बार टेस्ट किया, इतना टेस्टी बनाया वशु ने, इतना ज़्यादा टेस्टी बनाया। बट बच्ची है ना, उसको इतने अच्छे से यूज़ करना नहीं आता, उसका हाथ भी कट गया नाइफ से, और सारे किचन भी मेसी हो गया। सो मैं इसे ठीक कर लेती हूँ रात को ही, और अभी रात के ना 1 बजने वाला है, पता है। हाँ तो हम बहुत देर पहले गए थे और 1 बजने वाला, दीदी वगैरह बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, फिर मैंने चेंज करके बातें ही करती रही, चेंज मैंने अब करा है। सो अब चलो फटाफट से लाइट्स वगैरह सारी यहाँ की ऑफ करके मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। और जब तक हमारा चप्पल वाला रैक नहीं बनेगा ना, मेरी चप्पलें ऐसे ही यहाँ पे धक्का खाती रहेंगी। मैं ना अभी ये वाला पास्ता खा रही हूँ, क्योंकि मैं एक तरफ मैगी और पास्ता लवर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पसंद है मैगी और पास्ता, और ये मेरे को हमेशा मना करते हैं खाने के लिए। कौन सी मूवी देख रहे हो?
यार एक ना अपहरण करके ना पम्मी सीरीज है, अपहरण है या अपहरण है पता नहीं, मुझे वो देखनी है, बहुत अच्छी है मैंने सुना है, बहुत टेस्टी बनाया सच में, शक्ल इतनी टेस्टी लग रही होगी आपको, बेचारी हाथ और कट गया इसमें। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? तो गाइज आज हम और मम्मी बहुत लेट उठे हैं, 11:30 पर, अब तो वैसे भी 12:30 हो रहे हैं, अभी 1 बज रहा है ना, मैं तो 11:30 उठ के काम कर रही हूँ ना। सो गाइज मैं उठी, वशु जय और उनके दोस्तों ने मिलके मतलब रसोई में आप देखते ना आतंक मचा रखा था, मैं रात को सारी साफ करके सोई थी क्योंकि पास्ता वास्ता आपको दिखा दिया, तो मैं सारी चीजें साफ करके सोई थी, यहाँ पे सारे में टमाटर प्याज आ गई और सारी चीजें कर रखी, और आज काम वाली दीदी भी नहीं आई, फिर ये कहने कि कुछ बना भूख लग रही है, तो यहाँ पे मैंने चाय और पुलाव रख दिया, थोड़ा सा ही रखा है मतलब एक प्लेट इनके लाए, और आज दीदी भी नहीं आई है तो काम खुद करना पड़ेगा, वो तो मैं खुद कर लूंगी, पर कभी कभी ये बच्चे ना मेरे तोते उड़ा देते हैं। सो चलो काम करवाओगे मेरे साथ आज आप, बस आप पता क्या हेल्प की मुझे, एक कोने में जो फोन चला देते ना, ठीक है फिर मैं काम कर लूंगा, मेरे को कोई घर पे ना हो ना, आराम से अकेले काम कर लूं, और पूछ के जाया करो ना, दिक्कत नहीं है मुझे, जो तुम चुपचाप भूल जाते हो ना तब मुझे अच्छा नहीं लगता, और गाइस पता नहीं अब मैं कैसी हो गई हूँ ना, मैं खुद ही बोल रही हूँ, मुझे ना अब अकेले रहना अच्छा लगता है, पहले मैं ऐसी थी, सच में ऐसी थी, इनसे पूछ लो मेरे को ना भीड़ भड़क का सब बहुत सारे लोग ऐसे रहना पसंद था, भीड़ भड़क के वाली जगह पर जाना पसंद था, पर अब मैं ऐसे हो गई हूँ, मैं मन करता मैं अकेली रहूँ, मुझे पता नहीं क्यों हो गई हूँ कि मेरा अकेले ही रहने का मन करता है, ये भी नहीं होते ना घर पे, पहले ये नहीं होते थे जब मम्मी मैंने नहीं शादी हुई थी, या भी थोड़ा टाइम पहले भी ये चले जाते थे ना, तो मैं अकेली ऐसे हो जाती थी, अकेला कहाँ छोड़ गए सब लोग होने चाहिए, पर अब ये भी चले जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ कि अकेले रह लूँ, हाँ नहीं क्यों। चलो नाश्ता करके मिलते हैं आपसे, सारे में झाड़ू मारने के बाद आप मेरे फेस पे देख सकते हो इतने ठंड में भी पसीना, झाड़ू भी ही लेके बैठी हूँ क्योंकि अभी आधे में मारना है, और ना पता है मैं अभी झाड़ू मार रही थी ना, जो हमारी पहले काम वाली दीदी थी ना जो नीचे लगा रखी थी मैंने, सो वो साथ में काम करती है, वो भी मुझे देख रहे, वो देख रही झाड़ू मारते हुए, कह रही हाँ दीदी वगैरह आप आ जाओ, वो इतना ट्रस्टी थी, इतना अच्छा काम करती थी ना, मतलब उन्हें ना मेरे को कोई चीज़ बोलनी नहीं पड़ती थी, और गाइस मेरी आदत नहीं है कि मैं ना चिल्ला के बोलूँ, सब तो बोल देते हैं कि चिल्ला के बोलूँ ये कर दो वो कर दो, मैं नहीं बोल पाती, ठीक है जो कर रहे हैं कर रहे हैं, अब जो काम वाली दीदी है ना मेरे से हटाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, बट वो ना बिल्कुल कुछ भी नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उनके जाने के जस्ट थोड़ी देर बाद ही ना मैं फिर से झाड़ू पोछा करती हूँ, तो फिर मुझे कर लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, फिर दीदी कह रही है आप उनका मन थोड़े दो फिर मैं आ जाऊँगी, तो इसलिए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि वो ना बहुत अच्छे से काम भी करती थी और बिल्कुल अपना घर समझती हैं, और बहुत ट्रस्टी भी थी सबसे अच्छी बात, सो वो आ जाएंगी, और अभी पाइप से सारा धोऊंगी, और पता है मैंने वो जो पहले वाली काम वाली दीदी उनको 3-4 बार मैंने बोल दिया कि दीदी हफ्ते में एक बार ना पाइप से धो दिया करो क्योंकि वाइट टाइल है सारी गंदी हो जाती है, वो सुन के इग्नोर कर दे दिया मुझे, ना मैं क्या करूँ, चलो अब पूरा पाइप से धो के फिर मिलूंगी आपसे। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आ जाओ, जिन्हें मेरा एड्रेस पता है और मेरे से प्रेम करते हो, तगड़ा वाला तगड़े वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आ जाओ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाई रुको मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ हालत, आप लोग देखना रुको, अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, और ये देखो ये इतनी मिट्टी निकली है रेगुलर सफाई होने के बाद, फिर बताओ बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, और यहाँ पे रोज पोछा लगता है, और मैं कहती हूँ एक दिन वाइपर मार लो क्योंकि पोछा बैठ बैठ के लगाने से आसान तो आई थिंक वाइपर है, बट नहीं चलो फिर अपने हिसाब से करते हैं, हम किचन भी हो गई है यहाँ पे, पता है
जब मैं 3 महीने अपने घर की ना मम्मी ने मेरे पे एक ग्लास भी नहीं उगवाया, कुछ भी नहीं करवाया थी, बस 3 महीने में 2 बार मैंने सब्जी बनाई, वो भी जब मेरा आने का टाइम हो रहा था ना, घर बन गया था जब पापा ने बोला कि ये बनाएगी, वरना मेरी मम्मी ने मेरे पे ग्लास भी नहीं उगवाया। और अब मेरे पास लग रहा है पापा मम्मी से सही कहते थे, पापा हमेशा कहते थे इससे कुछ करवा ले मगर इस पर काम नहीं होगा, मेरे को सही में काम नहीं होता यार, पता नहीं क्यों आदत ही नहीं करने की। अब इसमें भी बहुत सारे लोग मुझे पता है कमेंट्स में टिप्पणियाँ करेंगी, और जो कमेंट्स में टिप्पणियाँ करेंगी ना उनको मैं पहले ही बोल दूँ तुम्हारी बातों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या लेना मेरे से काम होता ही नहीं होता, अभी कमेंट करने लग जाएंगी इससे कुछ नहीं होता, घुमवा लो इसे, बाहर का खाना खिला लो इसे, मुझे पता है ये कमेंट जरूर आएंगे, मतलब सीरियसली यार पता नहीं मेरे से क्यों चिढ़ते हैं इतना सारा लोग, भाई नहीं होता काम। और पता है मुझे ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से लोगों से लोग कंपेयर करते हैं, तो भाई कंपेयर करते हो ना तो एज भी देखा करो, ठीक है। मैं आपका अब मैं बोलूँगी मैं 21 की हूँ तो कोई मानेगा नहीं, 6 जनवरी को ना मैं 22 की होंगी, तो भाई मैं 21-22 साल की हूँ, और वो 40 साल की है, कोई 30 साल की है, कोई कितनी, तो उनकी उम्र भी तो देखो, तब तो मुझसे कंपेयर करो, मुझसे कंपेयर करते ही क्यों किसी को। मैं मानती हूँ ब्लॉगर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, यूट्यूबर होना बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल के टाइम में, बट हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने खुद से गाड़ी लिया, खुद से घर बनाया है, हर चीज़ खुद से करी है ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो लोग बोलते हैं ना और भी यूट्यूबर है तो अनोखी यूट्यूबर नहीं है, तो जो भी कमेंट करते हैं ना मेरे लिए, मैं अनोखी हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे किसी से भी कंपेयर मत करा करो, ना ही जज करना है, चलो ठीक है आप अच्छे बुरे कमेंट कर सकते हो, पर ना तुम कोई भी इतना अच्छा नहीं होता जो तुम मेरे अंदर 100 कमियाँ निकालते हो, उसमें काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तुम कितनी परफेक्ट हो जो मेरे अंदर कमियाँ निकालती हो, तू बदतमीज है जो भी हो, मैं जैसी भी हूँ ना मेरे घर वालों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत सुपीरियर हूँ, सब मैं अच्छी हूँ, सब बच्चों में अच्छी हूँ, तो मुझे जज मत करा करो। और जिसे मेरे अंदर ज़्यादा कमियाँ लगती है कि मैं काम नहीं करती वो नहीं करती, तो जगतपुर आ सकते हैं आप लोग और घर का काम करके जा सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, हम करवा लेंगे, ठीक है। और जो आप तनख्वाह लेंगे वो भी दे दूँगी मैं, जो बकवास करते कमेंट्स में उनके लिए। और चलो कोचा मारते मारते यही करते हैं ब्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, लव यू बाय। अब 2 दिन और तो यहाँ कमेंट करती रहेंगी, पसंद करते हैं।